तो हाय एवरीवन, आई एम पार्थ। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ऐसी मिस्टेक्स जो कि मोस्ट कॉमनली एक नीट एस्पिरेंट करता है। ये मिस्टेक्स ड्रॉपर्स भी करते हैं, फ्रेशर्स भी करते हैं, दोनों को मैं साथ में लेकर के इस वीडियो को बना रहा हूं। इस वीडियो को एंड तक देखना, अगर एक भी मिस्टेक इसमें से तुम अगर करते हो तो अलर्ट हो जाना दोस्त, बिकॉज ये तुम्हें मेडिकल कॉलेज में जाने से रोकेगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मिस्टेक, रीडिंग अननेसेसरी बुक्स। जब हम 11th क्लास में आते हैं तो हमें लगता है कि हम तो बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, एनसीईआरटी तो बहुत सिंपल किताब है, लेकिन असलियत ये है कि जो टॉपर्स भी होते हैं वो भी सही से एनसीईआरटी नहीं कर पाते। और अगर तुमने एनसीईआरटी सही से कर लोगे ना दोस्त, तो तुम्हारे को कोई रोक नहीं सकता बायोलॉजी में 360 में 360 आने में। अभी नीट 2022 का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, तो मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही था। कई लोग बोलेंगे बाहर से था, नहीं एनसीईआरटी में से था। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं कहां से था। यहां पे तुम जाओगे, ये डायग्राम का क्वेश्चन देखो, उसमें डायग्राम में नीचे लेबलिंग दे रखी है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तुमने पढ़ा था? मोस्ट कॉमनली तुमने नहीं पढ़ा होगा। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ये बच्चों को नहीं पता होता है, पर ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस तरीके से तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, एक-एक डायग्राम, एक-एक लेबलिंग से क्वेश्चन उठ के इस बार नीट 2022 में आया है। मिस्टेक नंबर 2, बीइंग अनअवेयर ऑफ द कंपटीशन। जब हम क्लास 9 10th में होते हैं, अपने स्कूल के टॉपर होते हैं, हमें तो लगता है हम नीट को बहुत अच्छे से फोड़ देंगे। क्लास 10th के कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10 सीजीपीए 95% ला रहे होते हैं, उनके मां-बाप को बिल्कुल श्योर होता है कि हमारा बच्चा तो डॉक्टर इंजीनियर बनने वाला है, लेकिन असल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो 10 सीजीपीए वाले होते हैं उनमें से भी बहुत कुछ बच्चे ही होते हैं जो कि एक्चुअली में डॉक्टर बन पाते हैं, और वो रेशियो बहुत कम है। तुम्हारा कंपटीशन बहुत बड़ा है, इसको तुम्हें अकाउंट में लेना रहेगा, इसको अपने दिमाग में तुम्हें एक साइड में रखना होगा कि हाँ तुम्हारा कंपटीशन है और तुम्हें उसके अगेंस्ट तुम्हें तैयारी अच्छे से करनी है अपनी। मिस्टेक नंबर 3, थिंकिंग थ्योरी इज इनफ। जब हम किसी भी बुक से थ्योरी पढ़ लेते हैं, कई सारे बच्चे सोचते हैं कि अब तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, क्या ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हमें तो आई गया है, हमने पढ़ लिया तो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कई सारे टॉपर्स का इंटरव्यू लिया और उनका बस यही कहना था कि हमारा जो ड्रॉप लेने का रीजन था वो यही था कि हम क्वेश्चन नहीं करते थे, हम अपने आप को सोचते थे कि यार मतलब पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से, तो अब क्वेश्चन तो बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम थ्योरी, क्वेश्चन इज एप्लीकेशन। जब तुम एप्लीकेशन करने जाओगे तब तुम्हें और कुछ चीजें सीखने को मिलेगी कि अप्लाई कैसे करना है जो तुमने पढ़ा है। मिस्टेक नंबर 4, स्टडिंग रैंडमली। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि हमने एक कोई चैप्टर उठाया, उसको आधा अधूरा करके फिर दूसरे चैप्टर पे चले गए। इस तरीके से तुम पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, आखिर में जाकर के सब कुछ जीरो हो जाएगा। जो तुमने आज पढ़ा है उसे तुम्हें अगले दिन रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, नहीं तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। और यही मेजर मिस्टेक होती है, मेजर प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि भैया साल भर हमने 2 साल पढ़ा है लेकिन आखिर में जाके हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा कि क्या पढ़ा था हमने, क्योंकि तो हमारा रिवीजन ही नहीं था, हम बस पढ़ते थे भूलते थे उस साइकिल में हम ट्रैप थे। 5वां, लो स्लीप ड्यूरेशन। कई सारे बच्चों को इनिशियली बहुत जोश आता है, वो कहते हैं कि भैया हम तो अपनी बिल्कुल अपनी नींद को खत्म कर देंगे, 24 घंटा लगातार पढ़ेंगे और तभी हमारा सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्त। मैंने जितने भी टॉपर्स अपने आसपास देखे हैं और मैं खुद भी एक टॉपर रहा हूं, मेरी 7 से 8 घंटे नींद मैंने हर रोज ली है, जब मैंने नींद की प्रिपरेशन करता था, जब मैं नहीं करता हूं तब भी, क्योंकि नींद मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो भी मैंने दिन भर में पढ़ा है, जो भी इंफॉर्मेशन गेन करी है, उसके दिमाग में सिक्वेस्टर करके उसे एक प्रॉपरली अपने को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए। इसलिए नींद जब तुम ले रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग जो तुमने दिन भर पढ़ा है उसे अच्छे से इकट्ठा कर रहा है और स्टोर कर रहा है, और वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 6th पॉइंट, हैविंग नो फ्रेंड्स। हमारे को ये बोला जाता है नीट की प्रिपरेशन में कि बिल्कुल भी दोस्त मत बनाओ, लेकिन ये बात कुछ हद तक सही नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें अच्छे दोस्त मिल जाते हैं ना तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है। मेरे केस में ये था, जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, जो मेरे आसपास लोग थे वही कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करते थे। मान लो कि मेरा कोई अच्छा दोस्त है पढ़ने में, वो मेरे से ज्यादा नंबर ला रहा है, तो मुझे भी अंदर से लगता था कि नहीं मुझे इससे अच्छा परफॉर्म करना है। इस तरीके से हेल्दी कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था नीट में सक्सेस पाने के लिए जो कि मुझे मिली थी। स्ट्रेसिंग मोर देन एक्चुअली वर्किंग। हमें ना टेंशन लेने में ज्यादा मजा आता है इन कंपैरिजन ऑफ काम करने में, ये मेजर ट्रेंड है। आपको ये सोचने में बड़ा मजा आएगा कि यार मेरे से नहीं होगा तो क्या होगा, फिर मेरी लाइफ में क्या होगा, हम ये सब सोचने में बहुत हमें को ना इंटरेस्ट आता है, आगे की फ्यूचर की बातें अनसर्टेन बातें सोचने में। लेकिन जो करंट में हमारे को काम है वो हमें कहीं ना कहीं बोरिंग लगता है, लेकिन इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है। ये सोच रहे हो कि यार बाद में क्या होगा, स्ट्रेस ले रहे हो, याद रखना जब आप स्ट्रेस ले रहे हो वो एक टाइम है, वो टाइम बीतता जा रहा है, उसी जब आप स्ट्रेस ले रहे हो कोई अच्छा बच्चा उस टाइम पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो स्ट्रेस लेना इज नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल। हमें अंदर से लगता है कि हम कुछ बड़ा काम कर रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सच्चा टीवी पर एंटरटेनमेंट कर सकते हो, लेकिन स्ट्रेस एक लेवल के बाद किसी काम का नहीं होता है। अगली मिस्टेक, अट्रैक्शन टू अपोजिट जेंडर। कई सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है केवल ये चीज में, वो फंस जाते हैं। देखो हर किसी को अट्रैक्शन होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा टॉपर हो, चाहे वो कितना भी बड़ा ड्रॉपर हो, लेकिन बात ये होती है कि कितना तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो, और अगर तुम्हारे को है भी तो तुम सामने सामने क्लियर करो अपने दिमाग में, उस चीज को बार बार दोहराओ मत कि यार मतलब मैं उसके साथ रहूंगा तो क्या होगा, अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा, उसे जाके बोल दो, उसको मना करना हो मना कर देगी या हाँ कर देगा, जो भी रहेगा उसके बाद
जैसा भी होगा तुम कर सकते हो डिस्कस, लेकिन अगर तुम ये चीज में अपना टाइम बर्बाद करोगे कि मुझे पसंद है तो क्या करूं क्या नहीं करूं, तो उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होना है। अगली मिस्टेक, नॉट डूइंग रिवीजन। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करते तो जो आपने पढ़ा है वो भी एक तरीके से जीरो हो जाएगा और आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। ये आपको करना है कि आपने जैसे जो पढ़ा है अगले दिन फिर से उसे पढ़ लेना है। नेक्स्ट मिस्टेक, इग्नोरिंग पीवाईक्यूज। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं अभी नीट 22 का पेपर देख रहा था, उसमें आधे क्वेश्चन तो मुझे पीवाईक्यू के मिल गए थे जो कि प्रीवियस ईयर से आए हैं बायोलॉजी में। तो ये लेवल होता है पीवाईक्यू का। अगर आप पीवाईक्यू भी अच्छे से करके जाते हो आपको नीट में बहुत हेल्प मिलेगी। अगली मिस्टेक, नॉट आस्किंग डाउट्स। हम लोग शर्म के मारे डाउट्स नहीं पूछते टीचर से कि टीचर हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमारे बैचमेट हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हमें ये इतनी सिंपल चीज नहीं आती। बट बिलीव मी, मैं एज अ टॉपर था लेकिन तब भी मैं बहुत डाउट पूछता था। मेरी क्लास में बहुत मजाक उड़ाया जाता था इस बात पे कि पार्थ उल्टे से डाउट पूछता है, लेकिन वही बच्चे जो मेरे पे हंसते थे उनके सिलेक्शन नहीं हुए और मैं अच्छी रैंक लेकर के आया। मुझे क्योंकि खुद पे विश्वास था कि कैसा भी डाउट हो कितना ही मजाक उड़े आकर मैं आके व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज सिलेक्शन और आपकी क्या रैंक आती है, और उसी के लिए मुझे मेहनत करनी है। नेक्स्ट मिस्टेक, ऑलवेज सी सॉल्यूशन। हम कोई भी क्वेश्चन करने जाते हैं अगर हमें नहीं आता हम तुरंत सॉल्यूशन देख लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको टाइम देना है, 10-15 मिनट दो, लेकिन उसको सोचो कि कैसे फिजिक्स में वो जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आएगा। अगर नहीं आता है तो भी सॉल्यूशन की शुरुआत की 2 लाइन देखो, फिर अगर फिर भी नहीं कर पाते तो तीसरी लाइन देखो। इस तरीके से तुम्हें करना है। कहीं में भी ऐसा नहीं करना कि यार नहीं आया तो पूरा सॉल्यूशन देख लिया फिर आगे बढ़ गए। ऐसे करोगे तो तुम्हारे को नीट में भी सॉल्यूशन देखने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट मिस्टेक, गूगलिंग ऑलवेज। कोई भी चीज है नहीं आई तो हाल गूगल करके देख लिया, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हें अपनी किताब में देखना कि किताब में वो कहां लिखा है, एनसीईआरटी में कहां लिखा है, क्योंकि एनसीईआरटी वो किताब होती है जिसे तुम रिवाइज करते हो बार बार, तो उसमें तुम्हें अच्छे से नोट करना पड़ेगा। गूगल करने से तुम एक बार गूगल करोगे भूल जाओगे। अगली मिस्टेक, नॉट हैविंग अ टाइम टेबल। देखो, एक बेसिक फॉर्म ऑफ टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल भी होता है नीट असेसमेंट के लिए। टाइम टेबल मतलब ये नहीं कि तुम्हारे को ये बोलना है कि भाई 2 से 3 में मैं ये करूंगा, 3 से 4 में मैं ये करूंगा, नहीं। तुम्हारा मान लो पेपर संडे को है, तुम्हारे पास 6 दिन है, तो तुम्हें अपना टाइम टेबल बनाना है कि मुझे इस दिन में ये पढ़ना है, इस दिन में ये पढ़ना है, इस दिन में ये कंप्लीट करना है, और उस तरीके से फॉलो करना है। तो तुम्हारे को पता रहेगा कि तुम्हारा टाइम किस तरीके से अरेंज है। नहीं तो क्या होगा कि तुम बिना किसी टाइम टेबल के चलोगे तो तुम्हारे को यही समझ में नहीं आएगा कि मुझे कितना टाइम किस चीज में देना है। नेक्स्ट मिस्टेक, बेड पर पढ़ना। कई बच्चे प्रेफर करते हैं कि हम बेड पर लेट करके आराम से पढ़ेंगे। दोस्त, तुम लेटोगे नहीं, तुम सोओगे वहां पे। तो पढ़ाई ऐसे नहीं होती है, एक चेयर और टेबल लेकर के तुम्हें पढ़ना रहेगा, तब जाकर के तुम फोकस पढ़ पाओगे। नेक्स्ट मिस्टेक, एक्सक्यूज देना। कुछ भी छोटी मोटी चीज होती है कि भाई तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो तुम एक्सक्यूज दे दोगे कि सर हमारे को ज्यादा पढ़ा रहे हैं, या सर को पढ़ाना नहीं आता, या हमसे जल्दी पढ़ा रहे हैं, ज्यादा चल रहे हैं आगे। ये सब कोई एक्सक्यूज नहीं होता दोस्त, तुम्हें सर से आगे चलना चाहिए, ये स्पिरिट रखो। तो जब मैं 12th में था तो मुझे पता था कि 12th जल्दी से जल्दी खत्म होगा और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं पहले से तैयार था इस चीज के लिए और मैं सर से आगे चलता था। मैं जो टॉपिक सर ने नहीं पढ़ा उसे पहले ही पढ़ के जाता था और उनके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता था। तो इस चीज को तुम्हें बनाना होगा, हमें सर के बराबर तो चलना ही चलना है और अगर हो सके तो आगे चलो। तो ये सारी कॉमन मिस्टेक्स है जो कि एक नीट एस्पिरेंट करता है, जो उसे रोकता है मेडिकल कॉलेज में जाने से। तो इसको अच्छे से फॉलो करना है, एक पॉइंट जो मैंने बताया उसे ध्यान से अपने दिमाग में रखना। सिलेक्शन लेना है हमको इस बार नीट 2023 में, अच्छे से मेहनत करो, बढ़िया से सिलेक्शन लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय सभी लोगों को, ऑल द बेस्ट।